हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है कामिका एकादशी। आप सभी दोस्तों को कामिका एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अब कामिका एकादशी की व्रत की कथा करने वाले हैं, तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और कथा करेंगे। कथा करने के बाद तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे। सो चलिए कामिका एकादशी व्रत की कथा कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राधे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबसे पहले तो कामिका एकादशी व्रत का महत्व जान लेते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। यह बहुत पुण्यदायी व्रत है जो सब पापों का नाश करने वाला है और उनसे मुक्ति दिलाने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपका यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है, इसको सावधानी से सुनो। भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम पवित्रा अथवा कामिका एकादशी है। इसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, उनके सहस्त्र नामों की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा काशी नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति में होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी में स्नान करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल भगवान श्री हरि की पूजन से प्राप्त होता है। जो नरेश्वर श्रावण माह में भगवान श्रीधर की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला व्यक्ति रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है, ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती और मूंगे आदि से पूजित हो कर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजा करने पर संतुष्ट होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्राप्त कराती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग कर करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का व्रत की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री भगवान विष्णु के लोक को जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, नारायण भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान जगन्नाथ की जय। तो दोस्तों, मैंने आप सभी से कामिका एकादशी व्रत की कथा कही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। जय श्री राधे।